हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हमने शुरू किया था मियोटिक मियोसिस, ठीक है, मियोटिक डिवीजन। तो उसमें हमने जो है कहा था कि आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो मियोसिस है वो दो डिवीजन्स होती है, होलोटिपिक एंड हेटेरोटिपिक, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने पहली डिवीजन शुरू की थी, जिसको हमने क्या कहा था, वो है ये पहली मियोटिक डिवीजन, ठीक है। पहली मियोटिक डिवीजन में मैंने आपको कहा था कि जो प्रोफेज है वो फर्दर काफी सारे फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, जिसमें मैंने आपको कहा था लेप्टोटीन, फिर कहा था जाइगोटीन, देन दैट इज पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड द लास्ट वन डायग्राम्स। मैंने आपको यही पढ़ाया था, ओके। तो मैंने कहा था कि जो पहली डिवीजन होती है, जो मियोटिक डिवीजन पहली डिवीजन होती है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेज है वो सबसे लंबा ड्यूरेशन वाला प्रोफेज है, सबसे टाइम ड्यूरेशन किसकी है पूरे के पूरे मियोसिस में, वो प्रोफेज में लगता है। और ज्यादातर मेन चीजें जो मेन इसमें जो इन्वॉल्व मतलब जो प्रॉब्लम इसमें आ जाती है प्रोफेज में, पूरे के पूरे डिवीजन में जो सबसे ज्यादा नेसेसरी चीजें हैं वो प्रोफेज में होती है। इसके सब डिवीजन मैंने आपको इसमें क्या समझाया था कि जो प्रोफेज है, प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें जो है जो क्रोमोसोम है वहां पर जो है साइनाप्सिस होती है, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम आके जो है पेयर बनाते हैं लाइक पैरेलल टू ईच अदर। फिर मैंने आपको कहा था वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है साइनाप्टिक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ओके। फिर मैंने आपको कहा था कि आफ्टर साइनाप्सिस वहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्रॉसिंग ओवर बेसिकली क्या है कि वहां पर जो है जो मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके सेगमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है। वो एक्सचेंज होने के बाद उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि वो जो दो होमोलोगस पेयर जो उसमें कॉम्प्लेक्स है वो डिजॉल्व हो जाता है, और फिर उसमें क्यास्मेटा जो है, क्यास्मेटा, इफ यू रिमेम्बर मैंने टर्मिनलाइजेशन कहा था कि क्यास्मेटा जो है बिकॉज ऑफ द फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो वो क्या होता है टूवर्ड्स मतलब एंड आपका क्रोमोसोम की तरफ खिसकता रहता है, और एट लास्ट जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम फ्री हो जाते हैं। लेकिन फ्री हुए, अलग नहीं हुए, अभी भी वो क्या है सेम एक दूसरे के साथ जो है लाइक कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ था किसमें, प्रोफेज में, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम जो है इसका नेक्स्ट स्टेप जो मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेज दैट इज मेटाफेज फर्स्ट, ओके। मेटाफेज फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, अभी अब अगर आपको याद होगा जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, उस माइटोसिस में क्या हुआ था कि सारे क्रोमोसोम्स जो है दे कम टू लाइक ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटर जो है इक्वेटोरियल प्लेट उस पे लाइक किया था, इसमें भी जो है ऑब्वियसली वही होगा, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पर एक प्लेट नहीं बनती है, दो जो है इसमें मियोटिक प्लेट्स बनती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी जो है क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो होमोलोगस ए पेयर है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स हैं, अभी भी ये एक दूसरे के साथ लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि प्रोफेज के खत्म होते होते ही क्या हुआ था, तब तक जितना भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायगोनिसिस ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन वो क्या थी विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप, ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हुई थी। लास्ट पे जो है ये क्या हुआ था, डिसअपियर हुआ था, डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। न्यूक्लियोलस तब तक इसमें कंप्लीटली प्रेजेंट था, लास्ट पे जाके डिसॉल्व हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि ये जो है वो गया अब
जो न्यूक्लियोलस है, सॉरी सेंट्रियोल है, एस्ट्रोजेनिक फॉर्मेशन होती है, ये भी कहा था आपको मैंने, ठीक है। डायटोलिसिस बाद का जो है, जो प्रोफेज है, प्रोफेज है ऑब्वियसली सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एंड एस्ट्रोजेनिक फॉर्मेशन और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी होगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एस्ट्रल रेज बनी, ठीक है, एस्ट्रल रेज के साथ साथ में जो है स्पिंडल फाइबर्स भी बन गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये मैंने थोड़ा दूर बनाया, थोड़ा सा नजदीक होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर इनके आसपास में क्या होता है कि इनमें जो है जो होमोलोगोस्फीयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें काइनेटिक और एक्यूरेटिक, रिमेंबर मैंने कहा था इंटरफेज में काइनेटिक और जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इसमें क्या जो है इसके साथ ज्वाइन करता है। यहाँ पर जो होमोलोगोस्फीयर है इसमें जो है ईच क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की बात हो रही है, ये है ना टेट्रा, ठीक है, एक डायड, एक डायड ये आया टेट्रा। इसमें क्या है, हर एक क्रोमेटिड, यह एक क्रोमेटिड, ठीक है, यह दूसरा क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से ज्वाइन हुए हैं, यही कहा था ना। तो इसमें क्या है, हर एक क्रोमेटिड का अपना काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्योंकि मेटाफेज है, अब स्पिंडल फाइबर्स जो है ये अटैच करते हैं किसके साथ में, ये काइनेटोकोर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ये जब इसके साथ अटैच करेंगे, इसमें एक ही जो जैसे यहाँ पर रखे एक स्पिंडल कोर्स दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर को जैसे ये रखे यहाँ पर से, या दोनों क्रोमेटिड के काइनेटोकोर, ठीक है। ये जो है एक ही स्पिंडल पोल जो है वो दोनों के दोनों काइनेटोकोर्स को ज्वाइन करता है और ऑपोजिट साइड को भी ज्वाइन करता है, ऐसे में स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ ज्वाइन होते हैं, समझे आप। एक ही स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों के दोनों काइनेटोकोर्स को ज्वाइन करता है, उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये हुआ तो ऐसे से ऐसा होने की बात क्या स्टेज बनती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब जब स्पिंडल फाइबर्स ज्वाइन हो गए, स्पिंडल फाइबर्स ज्वाइन होने के बाद क्या हुआ, ये इक्वेटर पे आके सारे लाई किए, माइटोसिस में एक ही प्लेट बनी थी, यहां पर क्या है दो पैरेलल प्लेट्स बनी है, ठीक है। ये आया एक सेंट्रियोल या दूसरा ही ज्यादा एस्ट्रल रेज, ठीक है, ये आया स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये जो इसके साथ जुड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे का पूरा पेयर होमोलोगोस्फीयर जो है वो क्या कर रहा है, इसके साथ इक्वेटर पे आके दो पैरेलल प्लेट्स बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये मेटाफेज में हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेज क्या है, दैट इज एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है, मेटाफेज में इतना ही हुआ कि जो स्पिंडल है वो जो है काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ गए, जुड़ने के बाद सारे के सारे होमोलोगोस्फीयर जो है वो इक्वेटर प्लेट पे जो है आ गए, ठीक है। उसके बाद एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट, अब जब ये सारे के सारे लाइन कर रहे हैं कहां पे, एट द सेंटर ऑफ द सेल, अब क्या होगा यहाँ पे डीपोलिमराइजेशन होगी। मैंने माइटोसिस में समझाया था आपको डीपोलिमराइजेशन होगी कि यहाँ पर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो घटते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे ये आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर जाएगा आधा नीचे आएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो
ये यहां को जा रहे हैं और ये वाले जो है इधर डीपॉलीमराइजेशन का आता है ना कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, अब पहले एडिशन हुई थी स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, अब डिवीजन होगी तो जिसकी वजह से इसको इधर को खींचेगा, इसको इधर को खींचेगा। यहां पर एक चीज नोट करने के लिए जो है ये जरूरी है नोट करना कि माइटोसिस में जब एनाफेज, उसकी एनाफेज स्टेज में क्या हुआ था, एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स अलग हुए थे, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ऐसा ही हुआ था ना। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम, ये एक पेयर अलग हो गया, होमोलोगस पेयर अलग हो गया, मतलब यहाँ पे जो है एनाफेज में जो है एक्चुअल रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर होता है। अब देखिए यहाँ पे आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर गया, आधा जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए बल्कि क्रोमोसोम जो है ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज है माइटोसिस से डिफरेंट है, वो क्या है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ लेकिन जो डीएनए है, डीएनए कंटेंट है वो डबल है ना, दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स जो है वो इसमें है। तो एज कम्पेयर टू द माइटोसिस इसमें डीएनए जो है कंटेंट जो है वो क्या है, डबल है और इसमें क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये आया एनाफेज में। अब क्या हुआ, नेक्स्ट इज टेलोफेज। टेलोफेज पर अब जब ये सारे के सारे हाफ हो गए, सपोज ह्यूमंस की बात करते हैं, 23 ऊपर गए 23 के नीचे आए, अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या हुआ, आए ये वाले आधे आए यहाँ पे, आधे आए यहाँ पे, इनके इर्द गिर्द क्या होगा, जैसे कि इसके इर्द गिर्द ये देखिए न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर होगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हुआ और न्यूक्लियस भी रीअपियर हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म लिया गया, बन गया इसमें, ठीक है। जो प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बने और दोनों न्यूक्लियस में क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है लेकिन डीएनए कंटेंट डबल है। अब टेलोफेज हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि जो कैरियोकाइनेसिस ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर भी होगा साइटोकाइनेसिस हो गया, जिसमें जो है मैंने आपको समझाया था साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, मतलब इसका जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड होगा या तो बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन या फिर कंस्ट्रिक्शन, एनिमल सेल्स में जो है बाय कंस्ट्रिक्शन प्रोसेस होता है और जो प्लांट सेल्स है उसमें प्लेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका हिसाब देखिए, हाँ यहाँ पर जाकर जो क्रोमोसोम है वो अनकॉइल होंगे और लेंथनिंग साइज, ठीक है, लेकिन दे रिमेन स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या मैंने पहले कहा था मियोसिस मियोटिक डिवीजन क्या है, जिसमें इंटरफेस जो होता है उसमें जो है कोई भी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे रिमेन स्ट्रेट, अनकॉइल बट रिमेन स्ट्रेट, ठीक है। इंटरफेस जो शेप है या फॉर्म है वो नहीं लेते। तो यहाँ पर देखिए साइटोकाइनेसिस इसके साथ हमारे पास जो है आ जाते हैं दो डॉटर सेल, ठीक है। पहला डिवीजन हो गया, दो डॉटर सेल आए जिसमें यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे नॉट पेयर, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पर 23 है, ठीक है। लेकिन इसमें डबल कंटेंट है किसका, डीएनए का। तो
आपको ना आपके आज के लिए काफी है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट डिवीजन जो है, नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है, सेकंड मियोटिक डिवीजन, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।